गोंदिया जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता वो पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल के खास समर्थक रहे अशोक उर्फ गप्पू गुप्ता ने मुंबई स्थित विधान भवन में विधानसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पार्टी का दुपट्टा पहनकर प्रवेश किया। मुंबई के वापसी के दौरान गोंदिया रेलवे स्टेशन पर अशोक उर्फ गप्पू गुप्ता के कांग्रेस प्रवेश पर उनका व उनके समर्थकों का जोरदार स्वागत किया गया। अशोक गुप्ता ने इस दौरान कहा कि वो कांग्रेस को गोंदिया जिले में भरपूर मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे। जिला अध्यक्ष महोदय साथ में है और मैं राष्ट्रवादी में था लेकिन राष्ट्रवादी के विरोध में जाके कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ हूँ। सम विचारधारा की पार्टी है और माँ के घर से मौसी के घर में आया हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रफुल्ल भाई मेरे आदर्श थे, आगे भी रहेंगे। राजनीतिक पार्टियाँ अलग अलग हो गई लेकिन सम विचारधारा की पार्टी है, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि जीवन भर रखा कांग्रेस एक साथ मिल के चुनाव लड़े और हम एक साथ रह के ही काम करेंगे। ना किसी व्यक्ति के विरोध में विरोध के कारण मैं यहाँ आया, ना कोई पार्टी के विरोध के कारण यहाँ आया। राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत करना है, गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले जाके, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में उसके पिछले 7 साल से की हुई जो पॉलिसियाँ हैं, जो जनहित के विरोध में है, किसान के विरोध में है, कई साल से रोजगार के जो अवसर थे वो बंद हो चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सब चीज़ों को हमने जनता तक पहुंचाना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश से हटा के कांग्रेस राका गठबंधन की सरकार इस देश में बैठे, इस प्रकार की हम वर्किंग करेंगे। ज्याला कोणाला प्रवेश करायचा असेल, यायचा असेल, भूतकुरू असतील, चांगले काम करणारे असतील, त्यांनी आम्ही त्यांचं स्वागत करतो आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये अशा सर्वांचं स्वागत आहे जे काम करू इच्छितात लोकांसाठी आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसला मजबूत करू इच्छितात। कारण की आज जी लढाई आहे हे विपरीत बुद्धिमत्ता असलेल्या लोकांशी आपली लढाई आहे आणि जे ह्या देशाची लूटमार चालवली आहे, देशाला विकायला काढलेलं आहे अशा लोकांशी आपली लढाई आहे आणि ह्या लढाईमध्ये भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या लढाईमध्ये सन्माननीय राहुलजी गांधी आपल्याला माहीत आहे ह्या आपल्या संपूर्ण राष्ट्रस्तरावर ते प्रयत्न करत आहेत। तर याच्यासाठी जे कोणी लोक जुडू इच्छितात ह्या आंदोलनामध्ये त्यांच्या सगळ्याच्या सोयीमध्ये आमच्या प्रदेश अध्यक्ष सन्माननीय बाळासाहेब थोरात तसेच सन्माननीय नानाभाऊ पटोले यांच्या नेतृत्वामध्ये काल त्यांचा प्रवेश त्या ठिकाणी झाला। त्या ठिकाणी आपल्या काँग्रेस पक्षाच्या गोंदिया जिल्ह्याच्या संपर्कमंत्री यशोमतीताई ठाकूर पण त्या ठिकाणी उपस्थित होत्या त्यावेळेस आणि आपल्या जिल्ह्याचे एकमेव आमदार जे आहेत आमचे सहस्रामजी कोरोटे हे सुद्धा त्या ठिकाणी उपस्थित होते आणि यांच्या सगळ्याच्या समक्ष त्यांचा प्रवेश त्या ठिकाणी झालेला आहे। यांच्यासोबत अन्य 12 लोकांनी सुद्धा त्यांच्यासोबत ह्या पक्षामध्ये प्रवेश घेतलेला आहे।